हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम मादल पांजी विषय आलोचना करिबा। आज प्रथम प्रश्न रही मादल पांजी लेखिबा केउ मंदिर एक प्रथा। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही लोकनाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, श्रीमंदिर, लिंगराज मंदिर। मादल पांजी लेखिबा श्रीमंदिर एक प्रथा, तेणु ऑप्शन सी हे यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, मादल पांजीर केतोटी नकल प्रस्तुत करा जाए? दुईटी, तीनोटी, चारोटी, पांचोटी। मादल पांजीरे तीनोटी नकल प्रस्तुत करा जाए, तेणु ऑप्शन बी हे यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, किए मादल पांजी लिखित होगापी बवरणी मान राजप्रसाद संग्रह करुले? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही चढ़ाऊकरण, कोठकरण, देउलकरण, पांजियाकरण। कोठकरण मादल पांजी लिखित होगापी बवरणी मान राजप्रसाद संग्रह करुले। चढ़ाऊकरण काम है कोठकरण संगृहित बवरणी गुड़ी विभागीकरण कर संपृक्त विभाग मानक लिपिबद्ध करवा। देउलकरण काम हो प्रतिदिन बेहरण में पांजी पाठ करवा। पांजियाकरण काम हो पांजी को संरक्षण कर रखा। चार नंबर प्रश्न, एमानक मध्यरु सर्वप्रथमे किए मादल पांजी को आलोचनार परिसर को आनीथिले? हंटर साहेब, स्टॉलिंग साहेब, जॉन बीम्स, डॉक्टर फ्लिट। प्रथमे स्टॉलिंग साहेब ही मादल पांजी को आलोचनार परिसर को आनीथिले। पांच नंबर प्रश्न, क्यों ख्रीष्टाब्दरे स्टॉलिंग साहेब मादल पांजी आधार रे ओडिशार राजनैतिक इतिहास लिखा को प्रयास करथिले? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 1820, 1821, 1822, 1923। यार सठिक उत्तर 1822 ख्रीष्टाब्दरे स्टॉलिंग साहेब मादल पांजी आधार रे ओडिशार राजनीतिक इतिहास लिखा को प्रयास करथिले। छ नंबर प्रश्न, स्टॉलिंग साहेब का तथ्यावली सहित आउ किसी तथ्य मिसाई किए पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथ रचना करथिले? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही सुनीत कुमार चाटर्जी, भवानी शंकर बंदोपाध्याय, प्यारीमोहन आचार्य एवं जगबंधु सिंह। स्टॉलिंग साहेब का तथ्यावली सहित आउ किसी तथ्य मिसाई भवानी चरण बंदोपाध्याय पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथ प्रकाश करथिले। परवर्ती प्रश्न, मादल पांजी अनुसारे केबे हंटर साहेब ओडिशार इतिहास लिखा को चेष्टित होइथिले? 1870, 1871, 1872, 1873। मादल पांजी अनुसारे 1872 रे हंटर साहेब ओडिशार इतिहास लिखा को चेष्टित करथिले, तेणु ऑप्शन सी हेबो यार सठिक उत्तर। आठ नंबर प्रश्न, 1879 ख्रीष्टाब्दरे स्वरचित ओडिशा इतिहास पुस्तक मादल पांजी संपर्क किए आलोकपात करथिले? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही जगबंधु सिंह, सुनीत कुमार चाटर्जी, मनमोहन चक्रवर्ती, प्यारीमोहन आचार्य। अठरश अनाशी ख्रीष्टाब्दरे स्वरचित ओडिशा इतिहास पुस्तक मादल पांजी संपर्क प्यारीमोहन आचार्य ही आलोकपात करथिले, तेणु ऑप्शन डी हेबो यार सठिक उत्तर। नौ नंबर प्रश्न,
मनमोहन चक्रवर्ती द्वारा केबे मादलापांजी संपर्कित केतोटी इंग्राजी प्रबंध रचना करथिले। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही है 1892 रु 1893, 1892 रु 1896, 1892 रु 1897, 1892 रु 1898। यार सठिक उत्तर 1892 रु 1898 मसीह मनमोहन चक्रवर्ती द्वारा मादलापांजी संपर्कित केतोटी इंग्राजी प्रबंध प्रकाश पाई। परवर्ती प्रश्न, मादलापांजी संपर्क जगबंधु सिंह बहु प्रबंध केउ पुस्तक स्थानित स्थान पाई। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही ओडिशार प्राचीन ऐतिह्य, प्राचीन उत्कलर सांस्कृतिक धारा, प्राचीन उत्कल ना प्राचीन उत्कलर अतीत कथा। यार सठिक उत्तर प्राचीन उत्कल पुस्तक जगबंधु सिंह मादलापांजी संपर्क बहु प्रबंध स्थान पाई। एगार नंबर प्रश्न, प्राचीन उत्कल पुस्तकटी प्रकाश काल केबे 1909, 1929, 1939। प्राचीन उत्कल पुस्तकटी प्रकाश काल हो 1929 मसीहा। बार नंबर प्रश्न, जगबंधु सिंहकर मादलापांजी विषयक आलोचना गुड़िक पूर्वर क्यों पत्रिकार प्रकाश पाई। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही उत्कल दीपिका, मुकुर, उत्कल साहित्य, उत्कल प्रभा। जगबंधु सिंहकर मादलापांजी विषयक आलोचना गुड़िक मुकुर पत्रिकार ही प्रकाश पाई, तेणु ऑप्शन बी हे यार सठिक उत्तर। तेर नंबर प्रश्न, 1927 ख्रीष्टाब्दरे किए मादलापांजीर ऐतिहासिक मूल्य को अस्वीकार करी इंग्राजी प्रबंध लिखिथिले। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही बीम्स, फ्लीट, मनमोहन चक्रवर्ती, फॉक्स साहेब। ख्रीष्टाब्दरे फ्लीट मादलापांजीर ऐतिहासिक मूल्य को अस्वीकार करी इंग्राजी प्रबंध लिखिथिले, तेणु ऑप्शन बी हे यार सठिक उत्तर। चौदह नंबर प्रश्न, केउ ख्रीष्टाब्दरे आर्तबलम महांतिंकर प्राचीन गद्य पद्यादर्श मादलापांजीर किछि अंश प्रकाशित होइथिला। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 1912, 1922, 1932, 1942। यार सठिक उत्तर 1932 ख्रीष्टाब्दरे आर्तबल्लभ महांतिंकर प्राचीन गद्य पद्यादर्श मादलापांजीर किछि अंश प्रकाशित होइथिला। 15 नंबर प्रश्न, आर्तबल्लभ महांतिंकर मादलापांजी केबे प्राची साहित्य समिति आनुकूल्यरे प्रकाश पाइथिला 1920, 1923, 1940, 1943। यार सठिक उत्तर 1940 ख्रीष्टाब्दरे आर्तबल्लभ महांतिंकर मादलापांजी प्राची साहित्य समिति आनुकूल्यरे प्रकाश पाइथिला। 16 नंबर प्रश्न, मदलाकारे पांजी बंधा हो रहे तेणु यार नाम मादलापांजी, एही मतटी कहार। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही मनमोहन चक्रवर्ती, आर्तबल्लभ महांती, जगबंधु सिंह, गोपाल चंद्र प्रहराज। मदला कारे पांजी बंधा हो रहे तेणु यार नाम होची मादला पांजी, ए उक्ति होची जगबंधु सिंह कर। 17 नंबर प्रश्न, राजा मानकर सिलमोहर बा
मुदरथ सॉरी राजा मानकर सिलमोहर बा मुदथाई दिया जायतिबा आदेशनामा सबु जे पांजीरे संरक्षित होई रहितला ताहार नाम मातळा पांजी। एही मतटे किए दियंती मनमोहन चक्रवर्ती, फ्लिट साहेब, कृष्ण कृपासिंधु मिश्र, रामशंकर राय। राजा मानकर सिलमोहर बा मुद थाई दिया जाउथवा आदेशनामा सब जो पांजी में संरक्षित हो रहा ताकि मादला पांजी कहा जाए। यह हूँ मनमोहन चक्रवर्ती मत। अठर नंबर प्रश्न, मादला पांजीर रचना काल 1700 शताब्दी बोली किए मत दिंती? विनायक मिश्र, रामप्रसाद नंद, परमानंद आचार्य, राजेन्द्र लाल मित्र। मादला पांजीर रचना काल 1700 शताब्दी बोली विनायक मिश्र मत दिंती। उन्नीस नंबर प्रश्न, मादला पांजी में वर्णित कांची विजयर कथावस्तु को उपजीव्य करी क्यों कवि कांची कावेरी काव्य रचना करते? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही ईश्वर दास, बनमाली दास, पुरुषोत्तम दास, त्रिपुरारी दास। यार सठिक उत्तर होची पुरुषोत्तम दास। कोड़े नंबर प्रश्न, मादला पांजी में स्थानित कांची विजयर प्रभाव में क्यों नाट्यकार कांची कावेरी नाटक रचना करछन्ति? कामपाल मिश्र, रामशंकर राय, अश्विनी कुमार घोष, कालीचरण पटनायक। मादला पांजी में स्थानित कांची विजयर प्रभाव में रामशंकर राय कांची कावेरी नाटक रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न, भोई वंशर क्यों राजा को मादला पांजी में प्रशंसा करा जाए द्वितीय इंद्रद्युम्न भाव में आख्या दिया जाए? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही गोविंद विद्याधर, मुकुंद देव, नरसिंह देव, रामचंद्र देव। भोई वंशर क्यों राजा को मादला पांजी में प्रशंसा करा जाए द्वितीय इंद्रद्युम्न भाव में आख्या दिया जाए? यार सठिक उत्तर हे रामचंद्र देव। परवर्ती प्रश्न, भो भविष्य महाराजा माने देवता ब्राह्मण को बल भंडार को राजनीति चयक मध्य करी मु जेमंत प्रकार भियाण कर देई अछि एथिकि तुम्हें माने न पुणी बोल से देई देले आंभर कि होइला? आंभे किंपा दबु एमंतन बोलिब ए उद्धृतांशटि क्यों राजा घोषणा नामर अंशविशेष? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही अनंग भीमदेव, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, चोड़गंग देव। यार सठिक उत्तर हूँ ए घोषणा नामटे हूँ अनंग भीमदेव। तेईस नंबर प्रश्न, मादला पांजी 1100, 1200 एवं 1300 शताब्दी रचना भाव में क्यों गवेषक ग्रहण करती? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही गोपाल चंद्र प्रहराज, कृपासिंधु मिश्र, सूर्य नारायण दास, उपरोक्त समस्त। मादला पांजी 1100, 1200 ओ 1300 शताब्दी रचना भावरे एमानक मध्यरु केउ गवेषक माने मत दियंती? एरो सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। गोपाल चंद्र प्रहराज, कृपासिंधु मिश्र, सूर्य नारायण दास एवं आर्तबोल महांति, मायाधर मानसिंह, अनिरुद्ध दास प्रमुख गवेषक माने मादला पांजी रचना काल को 1100, 1200, 1300 शताब्दी रचना भाव ग्रहण करती। चौबीस नंबर प्रश्न, मादला पांजी को 1500 बा 1600 शताब्दी रचना भाव में क्यों गवेषक मत दिंती?
ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏମାନଙ୍କର ମତରେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି 1500 ବା 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି, ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ଖପରାଚଟା ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଦଳି ଓ ମୋଦଲୁଙ୍ଗା ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ମାଦଳା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ମୋଦଳି ବା ମୋଦଲୁଙ୍ଗା ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦରୁ ମାଦଳା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ରକ୍ତବାହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେଉଁଥିରୁ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଚକଡ଼ା, ମାଦଳାପାଞ୍ଜି, ସ୍ୱତଲିପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ରକ୍ତବାହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ନିକଟରେ ଋଣୀ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନୀଳଶୈଳ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ ଡିରେ ରହିଛି ଏ ଓ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ନିକଟରେ ଋଣୀ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି, ଏ ଓ ବି ଉଭୟ ହିଁ ଠିକ୍। ନୀଳଶୈଳ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ନିକଟରେ ଋଣୀ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେଶରୀ ବା ସୋମବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଭୋଇବଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ କେଶରୀ ବା ସୋମବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଏବଂ ଭୋଇବଂଶ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର କାଳ ଓ କଳା ଏହି ରଚନାଟି କାହାର? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା, ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର କାଳ ଓ କଳା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ରଚନା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ରଚନା କରିଥିଲେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର କାଳ ଓ କଳା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ଗୌରବ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଏହା ରଚନା କରିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଜି ଏକ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ପରି ଆସାମରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳିତ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ, ବୁରୁଜୀ, ଦାଠାବଂଶ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ପରି ଆସାମରେ ବୁରୁଜୀ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଦାଠାବଂଶ ସିଂହଳରେ ପ୍ରଚଳିତ।
32 नंबर प्रश्न, मुदलसिद्ध ग्रंथरु मादला शब्दटि आहरण करा जाय छि बोली किए कहिथिले? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही ऐतिहासिक अनिरुद्ध दास, हरेकृष्ण महताब, नीलकंठ दास, विनायक मिश्र। मुदलसिद्ध ग्रंथरु मादला शब्दटि आहरण करा जाय छि बोली ऐतिहासिक अनिरुद्ध दास मत देथिले। 33 नंबर प्रश्न, मादला पांजी साधारणतः क्यों शैली रचित होता है? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही पद्य, गद्य, पद्य और गद्य, गद्यात्मक पद्य। यार सठिक उत्तर टी मादला पांजी साधारणतः गद्य शैली ही रचित होता है। 34 नंबर प्रश्न, बाजीर शेष प्रश्न, क्योंटी मादला पांजीर समधर्मी रचना नुहे? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही राजतरंगिनी, बुरंजी, दाठा धातुवंश, नलचरित। यार सठिक उत्तर टी मादला पांजीर समधर्मी रचना नलचरित नुहे।